हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? फिट फिट एंड फाइन। तो अभी आज देखिए, मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के बड़े। और इसमें मैंने क्या काम करा है, रात को पूरी रात के लिए दाल अच्छे से वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया है। भिगो के इसको मैंने फ्राई किया है। और थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब काली मिर्च थोड़ी सी कूट कर ना इसमें डाल दी है। नमक डाला है और मैं इसे अच्छे से फेंट रही हूँ। जितनी इसकी हम फिटाई करेंगे ना, ऐसे गोल गोल करके ऐसे फेंट रही हूँ इसको मैं, उतना ही इसमें थोड़ा खमीर सा उठेगा हल्का सा। और मतलब इसकी अच्छे से हमें बड़ी बनानी है, छोटी 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 बड़ी बना लेंगे। और फिर आगे की प्रोसेस मैं आपको बताती रहूँगी। मैं इसको अच्छे से फेंट कर और बस हम क्या करेंगे कि इसकी पकौड़ी उतारेंगे। तो चलते हैं, इसको फेंटने के बाद पकौड़ी उतारते हैं। देखिए दोस्तों, हमने मसाला बना लिया था, इसमें जीरा वगैरह सब चीज़ डाल के तेल में फ्राई वगैरह करके और मसाला फ्राई कर लिया अच्छे से। और हमने बारीक बारीक छोटे स्लाइस के आलू काटे हैं और अभी आलू को बॉईल होने दे रहे हैं जिससे कि आलू गल जाए अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे तरीके से होने लग गया है। और आलू फ्राई होते के साथ ही फिर हम इनमें ये पकौड़िए डाल देंगे, ठीक है? तो इस तरह से अभी हम इसे बॉईल हो जाने देते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पकौड़िए डाल देंगे सारी, पानी बॉईल होने के बाद। और पानी भी डाल दिया है इसके अंदर हमने, तो ये पर्याप्त मात्रा में जितनी इनको पानी जरूरत होगा उतना ये मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगी, हमने फूल जाएंगी। और इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। काला नमक वगैरह सब चीज डालिए, हींग वींग, और आप डालकर देखिएगा। और सजावट के लिए जब ये बन जाएगी ऊपर से मतलब गार्निश कर लीजिए, मतलब धनिया डाल दीजिए, हरा धनिया। फिलहाल मेरे पास तो हरा धनिया है नहीं, मैं तो नहीं डालूंगी, पर फिर भी बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है गाइज। तो आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा कैसी बनी है सब्जी। देखिए पानी पी के ये ऊपर आ चुकी हैं इस टाइप से। फूल गई है ना, देखिए सारी। ज्यादा बड़ी नहीं बनाई है हमने, छोटी छोटी सी ही बनाई है। अभी गलेंगी ना, जब आपको फोड़ के दिखाऊंगी कितनी टेस्टी लगेंगी। पानी भी देखिए टाइट हो गया पहले से, थोड़ा पतला हो रहा है। ये देखिए इसी से अंदाजा लगाइए। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए देखिए कितनी सॉफ्ट है। पता है इसको बहुत मथना पड़ा है, देखा ही होगा आपने वीडियो में। इस टाइप की सब्जी बनी है, देखिए ये रेसा सारा, इसने सारा रेसे इसी में सूख गया है, टाइट हो गई है। कोई नहीं, हमें तो टेस्टी लगी, अच्छी लगेगी हमें तो। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।